ये देसी मछली, अरे मोटाल मोटाल चिंगड़ी है ना, आई कौन सा है, बुद्धू? अच्छा बुद्धू दड़का। आई है इचना, क्या बोलते हैं, चिंगड़ी। कैसे खेजा दीदी? इधर जो है मछली तो भुना ही रहा है, मछली भुनते भुनते इधर दिखाएंगे कि मुर्गा भी बन रहा है, और मुर्गा देखो दादा लोग खुद बना रहे हैं। यहाँ क्या है, कस्टमर अपने से भी बना लेता है। कौन है? अच्छा ये पांडा है, और ये है शतुर्मुर्ग, आई मुर्गा, तीनों। सबसे अच्छा कौन फटता है? और यहाँ पे अंकल जो है एकदम हरा हरा सखवा का पत्ता पे मछली देने वाला है। मछली भून दिए, दे भी रहा है, अब थोड़ा भुंजाइए, बताइए कैसे किलो। एक खेजा आप दीजिए, 20 करना है, एक खेजा आप दीजिए, दोनों का बोहनी होना चाहिए का। बस दो खेजा हो गया ना, दे दीजिए। अच्छा लगे, टेस्टी लगेगा ना? मछली तो दे दी, अभी बताइए ना बाजार कौन दिन लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं रांची शहर से 40 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत से गांव में लगने वाले एक बड़े देसी बाजार को एक्सप्लोर कराने के लिए। और आज जो बाजार हम आपको दिखाने वाले हैं वहाँ पे भीड़ भाड़ देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, और वहाँ पे मिलने वाली चीजों को देखकर आप बोलोगे मजा आ गया। और इस बाजार का सबसे स्पेशल चीज है यहाँ पे मिलने वाला नॉन वेज, और नॉन वेज के रूप में यहाँ पे आपको मिलेगा कांची नदी का पकड़ा हुआ बुद्धू, पोठी, चिंगड़ी, गरई, ये सब तरह तरह का मछली भी। तो बाजार एक्सप्लोर करने के साथ साथ यहाँ पे आज मछली खरीदने वाले हैं। मछली खरीदने के बाद चलेंगे अड्डे पे, मछली को भुंजवाएंगे, तरीका दिखाएंगे, स्वाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बाजार में पहुंचना कैसे है वो जान लेते हैं। तो अभी जिस जगह पे है, जगह को बोला जाता है शिलादोन, जो कि पड़ता है आपके खूंटी थाना के अंतर्गत, जिला भी इसका खूंटी होने वाला है रांची शहर से। इसकी दूरी तो हमने बताई आपको, ये खूंटी शहर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे, और ये बाजार रोड के ठीक बगल में, और यहाँ का एक लैंडमार्क है यहाँ का सरकारी स्कूल। तो यहाँ पे जो है बहुत आसान तरीके से आप पहुँच सकते हैं। इनके फिर भी दिक्कत होती है तो मिलेगा गूगल मैप का लिंक, जिस पर आप क्लिक करके और आँख बंद करके इस बड़े और खूबसूरत भीड़ भाड़ से भरे हुए बाजार में पहुँच सकते हैं। तो गई जिस बाजार में पहुंचने की हमने आपको सारी जानकारी तो दे दी, एक बार आपको जो है बाजार का ओवरलुक देते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो कुछ इस तरीके का ये बाजार लगता है, और ये बाजार शाम का बाजार है, और अभी 3:30 बज रहा है, दुकान वगैरह इस तरीके से लगा हुआ है, दिवाली का टाइम है, हर जगह आपको पटाखा और ये सब दिखने वाला है, लरी बत्ती। तो यहाँ पे जो है ना एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे जो है ना एक से बढ़कर एक पटाखा का पूरा दुकान लगा हुआ है। क्या क्या पटाखा बेच रहे हैं? सब बेच रहे हैं। हाँ। ज्यादा क्या बिकता है? पांडा छाप, मुर्गा छाप, बीड़ी बम जिसको बोलते हैं। हाँ। दिखाइए तो पैकेट में उठा के थोड़ा। कौन है? अच्छा ये पांडा है, और ये है शतुर्मुर्ग, आई मुर्गा, तीनों। सबसे अच्छा कौन फटता है? पांडा छाप, मुर्गा छाप, मतलब सब बढ़िया ही फटता है। हाँ। और दाम कितना है? दाम है 100 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया। एकर कितना? 80 रुपया पांडा, 80 रुपया। हाँ। और ये 70 रुपया, ये 70 रुपया। हाँ। मुर्गा कितना? मुर्गा 100 रुपया, मुर्गा 100 रुपया। हाँ। कई गो रहता है? 100 पीस रहता है, 100 पीस रह जाता है। हाँ। और ये सब कितने का है, रॉकेट वगैरह? 20 रुपया पीस है। वाह। तो भाई साहब यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का रेट है पटाखों का, आप लोग बताना कि आपके एरिया में पटाखे का रेट क्या है। यहाँ देखो क्या है, सिंदूर धमक रहा है, क्या बात है, खुशबू वाला है क्या? वाह, कितने का है ये? 20 रुपये पाव। वाह, आपके यहाँ सस्ता है रेट थोड़ा, एक बाजार गए तो वहाँ 30 रुपये पाव था। सस्ता है तो भाई साहब ये देखो खुशबूदार है, मतलब यहाँ से जब क्रॉस कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा धमक। अच्छा चाचा को भी दिखा दे, ये देखो चाचा जो यहाँ पे क्या होठलाली बेचते हैं, है ना, मतलब पान खाने से भी तो होठ लाल होगा। कैसे खिल ली पान? अभी तो 10 रुपया जोड़ा। 10 रुपया जोड़ा, तो ये देख लो 10 रुपया जोड़ा पान का दुकान, मतलब आपको यहाँ पे हर चीज मिलेगा। साग सब्जी का दुकान यहाँ देखो, लाइन से हर तरह का हरा हरा सब्जी है, कैप्सिकम भी है, बिलौती भी है, और उसके बाद फ्रेश बीन भी। कैसे है फ्रेश बीन काका? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो, वाह क्या बात है, बाजार में हर कुछ सस्ता है क्या? फ्रेश बीन भी देहाती बाजार है। और ये कैसे दे रहे हैं? शिमला 100 रुपये, अब बिलाती का भी बता दीजिए। 45 रुपये। अरे वाह, मतलब सही में सस्ता है, बिलाती 60-50 कम से कम हर जगह है।
तो भाई ये बाजार में ना रेट वाकई में हर बाजार से जो है ना कम है, चाहे वो आप गुलाल ले लो, चाहे वो आप भाई साग सब्जी। और इस साइड पे देखो, यहाँ पे भी साग सब्जी का दुकान। क्या है ये, लोकल टमाटर है? लोकल लोकल है। कैसे बेच रहे हैं? 80 रुपया। 80 रुपये? तो भाई साहब यहाँ पे देखो 80 रुपये, मतलब एक मिनट में जो है मेरा भरम टूट गया। उस साइड पे रेट कुछ और था, इस साइड पे रेट कुछ और है। और यहाँ देखते हैं भीड़ किस चीज़ का लगा है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ लोग गांछी खरीद रहे हैं। क्या क्या गांछी है काका? अच्छा, मिर्चाई गोभी सब है। और ये देखो भाई साहब, गांछी में जो है तरह तरह का हर चीज़ यहाँ पे। कैसे है वैसे दाम? 20 रुपये मुट्ठी। तो भाई यहाँ पे जो है खेती बाड़ी से रिलेटेड भी आपको सामान मिलेगा। और यहाँ देखो सब्जी, बैंगन, बैंगन के बाद यहाँ पत्ता गोभी। इसमें क्या रखे हैं सुनसुनिया? कैसे खेजा? 10 रुपये। अभी खेजा नहीं लगा है ना? तो भाई अभी दुकान लगा नहीं है ठीक से, इसलिए खेजा खुला नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो खेजा भी खुल जाएगा। यहाँ पे काकी देखो लेके रखी है कंदा। सारू बयांग? अच्छा, तो भाई ये जो है बयांग कांदा है। कैसे किलो काकी? 40 रुपये। 40 रुपये? तो भाई साहब 40 रुपये किलो बयांग कांदा। दिखने में मतलब सेम टू सेम सारू जैसा है, लेकिन अब उन्होंने बताया नाम बयांग, तो भाई बयांग ही है। और यहाँ देखो मुरई, वाह ताज़ा ताज़ा मुरई। कैसे दे रहे हैं? कैसे मुट्ठा? 10 रुपये। ये देखो 10 रुपये जो है मुट्ठा लग रहा है, एक पाव से तो ज़्यादा ही है उसमें। यहाँ पे काका भी एकदम, क्या बात है, पूरा एकदम लंबा लंबा कंदा रखे काका ने। अच्छा ये सारू है? अब तो घाटी वाला कंदा, घाटी। अच्छा सारुए बोलते हैं। आई बम जैसा कौन है? ये सारू है। अच्छा ये सारू है, ये कांदा है। ये कांदा है घाटी लारंग। लारंग हाँ। कैसे है? लारंग होता है। दाम 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 50 रुपये किलो। तो ये देखो यहाँ पे 50 रुपये किलो है। तो गई जिस साइड पे जो है साग सब्जी वगैरह हमने देखा और तरह तरह का कंदा भी देखा, रेट भी जो है बड़ा बढ़िया सा था। अब चलते हैं उस एरिया में जहाँ पे आपको मिट्टी का दिया, घड़ा, हर चीज़ मिलने वाला है। तो यहाँ देखो तरह तरह का चीज़ हाथ से बना हुआ सब कुछ बिक रहा है। ये है दिया, यहाँ पे 4 मुंह वाला दिया। कैसे है दिया बाबू? 20 रुपये दर्जन। 30 रुपये दर्जन? 30 रुपये यहाँ पे दर्जन मिलेगा आपको। ये दिया बड़ा वाला है ना, छोटा भी है? छोटका कैसे है चाचा? 20 रुपये छोटका। 30 रुपये? अच्छा ये सब 10 रुपये। तो भाई यहाँ पे जो है दिया का रेट 10 रुपये ज़्यादा लग रहा है। दूसरे बाजार में हमने 20 रुपये दर्जन देखा था। कैसे बेच रहे दिया काकी? 30 रुपये। ये देखो 30 रुपये दर्जन। मेरे ख्याल से लगता है ये सब जो है खरीद के लाते हैं, इसके कारण इस तरह का रेट है। ये क्या है, घड़ा? क्या रखेगा इसमें? पानी की हड़िया? पानी भी, हड़िया भी। जो मन करे वो। कितना दाम है? 200। खरीद के लाते हैं काका की? बनाते हैं अपने? बनाते हैं अपने, बनाते हैं। वाह, तो भाई साहब ये देखो ये सब जो मेहनत से बनाया हुआ हाथ का काम है, पीट पाट के ने। वाह, और इधर देखो दिया सजाया जा रहा है। इस साइड पे दिया है, और ये कैसा दिया है? कच्चा है, वो कच्चा का जरूरत पड़ता है। अच्छा, मतलब दिवाली पूजा में कच्चा दिया स्पेशली लगता है? देखिए माथा में कीड़ा बैठा, हटाइए तो पहले। यहाँ यहाँ दिमाग पर, नीनार पर हरा रंग का, हाँ हट गया। ये वाला लगता है, कैसे देते हैं इसको? 5 रुपया। ये 5 रुपया है? और पक्कल वाला कैसे है? 30 रुपया। 30 रुपये, मतलब यहाँ दिया किसी से पूछे सब जगह एक ही रेट है ना? 30 रुपये दर्जन। तो भाई साहब यहाँ पे जो है दिवाली में यूज होने वाला दिया कुछ इस तरीके का रेट में आपको मिलने वाला है। और अब जो है हम लोग बाजार एक्सप्लोर करते करते आ चुके हैं अपने मतलब वाले जगह पे। वैसे तो मतलब हर चीज से रहता है, लेकिन अपना ज्यादा फोकस इस साइड पे रहता है, नॉनवेज वाले मार्केट पे। यहाँ देखो काकी जो है सुखल मछली का खेजा लगाइए रहे हैं अभी ना। कैसे खेजा है काकी? 20 रुपये सुखल मछली। यहाँ भी वही है, ये देसी मछली। अरे मोटाल मोटाल चिंगड़ी है ना? आई कौन सा है? बुद्धू? अच्छा बुड्डू दड़का। आई है इचना, क्या बोलते हैं, चिंगड़ी। कैसे खेजा दीदी? 20 रुपये। और यहाँ देखो केकड़ा भी मिल रहा है भाई साहब। वाह, ये लोकल है लगता है, आज पकड़े हैं। ये कितना का है? 10 का। अच्छा 10 एकर है। और यहाँ पे भाई ये देखो बुद्धू, ये है दिड़का बुद्धू, ये है खाली बुद्धू। कैसे है बुद्धू? 20 रुपये खेजा।
और यहाँ चिंगड़ी, तो ये 20 रुपये होगा। ये भी 20 रुपये होगा। अच्छा अच्छा, बामी भी रखे हैं, ये देखो 4 गो बामी, मतलब तो जो पकड़ा जाता है वो मछली आ जाता है इधर। हाँ, और यहाँ पे बड़ा वाला मछली। तो गई यहाँ पे जो है हमने डिसाइड करा है मछली खाने का। इस साइड पर देखो मुर्गा भी मिल रहा है, लेकिन ये मुर्गा हर जगह मिलता है। और मछली खाने का सोच के रखे थे बुद्धू, लेकिन चिंगड़ी देखकर मन कर रहा है चिंगड़ी भी खाने का, मोटा मोटा चिंगड़ी। और यहाँ पे देखो काफ़ी बढ़िया जिंदा जिंदा एकदम घूम रहा है अभी, जिंदा है ना। ऐसा कीजिए ना, एक खेजाब दीजिए, एक खेजा, एक एक खेजा बस, एक खेजाब दीजिए, 20 करना है, एक खेजाब दीजिए, दोनों का बोहनी होना चाहिए का। बस दो खेजा हो गया ना, दे दीजिए। अच्छा लगे, टेस्टी लगेगा ना। मछली तो दे दी, अभी बताइए ना बाजार कौन दिन लगता है, शुक्र है मंगल, दोनों दिन। और आप लोग हर बाजार में आते हैं, वाह ये क्या एक्स्ट्रा दे दिए। ये देखो गांव घर का आदमी का दिल बड़ा होता है। तो गाइस मछली जो है अपने लेकर आ चुके हैं अड्डे पे इसको भुंजवाने के लिए। और ये जो मछली देख रहे हो ना भाई साहब, देख कर ही मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब जो है ना आपको एक बार ये जगह दिखाते हैं जहाँ पे हम भुंजवाने आए हैं। तो गाइस ये है वो नज़ारा जहाँ पे अपने आए हुए हैं। सबसे पहले आप देख लो ये बाज़ार से हटकर है, और ये जगह सिर्फ भुंजा भांजी के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अभी अपना मछली बनेगा, ये चेक करो। चिंगड़ी को निकाल कर रख दिया गया बर्तन में, ये देखो एकदम भाई साहब खनर खनर। और इस साइड पर चूल्हा वगैरह दिखाएंगे, तो देखो ये सब देख रहे हो, पतला पतला लकड़ी जलाया जा रहा है, और मछली भूनने के लिए मसाला कुटा रहा है, मतलब गिलासे लोहास हो जाता है काका, पूरा एकदम देसी तरीका, एक्सी मिक्सी सब कुछ नहीं का। बहुत बढ़िया, उस साइड पे देख सकते हो आप चूल्हा जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जल चुका है। यहाँ पे मसाला भी कुचा गया है, और अब लगे हाथ जो है यहाँ पे देखो सफैया भी हो रहा है। ये चेक कर लो, चिंगड़ी का मोच तोड़ा जा रहा है। मोच क्या गड़ जाता है, नहीं करता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब ये थोड़ा बड़ा भी है, छोटा रहता तो फिर नहीं करना पड़ता है। तो भाई साहब ये थोड़ा सा साइज में हल्का सा बड़ा है, जिसके कारण इस तरीके से तोड़ तोड़ के हटा दिया जा रहा है। तो गई यहाँ पे जो है अपना सारा मछली झटपट झटपट अंकल के द्वारा साफ कर दिया गया। यहाँ पे खाली हो चुका है, ये भर चुका है, और देख लो कितना बढ़िया सा दिख रहा है। अच्छा ये सब जो मछली वगैरह रहता है ये कहाँ से लाता पकड़ के, नदी उदी की, नदी का है, डूबा का नहीं। अच्छा कौन नदी बता सकते नाम, कांची नदी, कांची का है। अच्छा तो भाई साहब कांची नदी का ये ताज़ा मछली। इस साइड पे जो है अपना कढ़ाई गरम हो चुका है, और अब यहाँ पे दिखाएंगे मछली बनाने का प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले जो है क्या पाउडर है, मिक्स की हल्दी, अच्छा मिक्स है। तो भाई सबसे पहले जो है मिक्स मसाला डाला, अच्छा ना ये हल्दी है, हल्दी है, मिक्स है ना। और अब गया मिक्स मसाला का पाउडर, और मिक्स मसाला हल्दी के बाद अब जो है स्वाद अनुसार नमक। और अब जो है टाइम आ चला है गर्मा गर्म कढ़ाई में सरसों का तेल डालने का। तो तेल का क्वांटिटी देख लो, बढ़िया से डाला गया है बिना कंजूसी किए, अच्छा सा क्वांटिटी। और यहाँ पे तेल गर्म हुए मतलब एक सेकंड भी नहीं हुआ है, और फटाक से इसमें कूचा हुआ मसाला, जिसमें आपका कटा हुआ प्याज, साथ में था लहसुन और हरा मिर्चा, आदि भी था कि आदि ने, मतलब मछली में बिना आदि का चलेगा, चलेगा लहसुन मेन चाहिए। तो यहाँ पे जो है लहसुन देख लो बढ़िया से भरकर दे दिया गया है, और यहाँ जो है प्याज वगैरह अच्छे से लाल करने के बाद बिना हाथ लगाए छुलनी के मदद से ही मसाला मिलाया गया। और मिलाने के बाद अब चिंगड़ी डल चुका है, और यहाँ जो है चिंगड़ी मछली डाले हुए मुश्किल से 1 से 2 मिनट हुआ है। जब मछली इसमें डला था करिया करिया दिख रहा था, और अब देख लो भाई साहब पूरा एकदम सफ़ेद हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 7 मिनट हुआ है, और अब जो है ना धीरे धीरे इसको भूंजा जा रहा है चला चला के। क्या मछली पक गया होगा, मसाला वसाला सब पक गया, वाह। तो यहाँ पे जो है मछली भी पक चुका है, मसाला भी पक चुका है, और अब जो है इसमें अच्छा से भुनने के बाद पानी डाल दिया गया है। पानी मतलब डाले हैं सिझाने के लिए कि कहे, हल्का सिझाने, मसाला मतलब कि पूरा ही नहीं हो जाएगा। अच्छा मतलब मसाला जले भी नहीं ना, मसाला गल जाएगा, मसाला गल जाएगा अच्छे से भुन जाएगा।
इधर जो है मछली तो भुना ही रहा है, मछली भुनते भुनते इधर दिखाएंगे कि मुर्गा भी बन रहा है। और मुर्गा देखो दादा लोग खुद बना रहे हैं। यहाँ क्या है, कस्टमर अपने से भी बना लेता है, ज़्यादातर अपने से बनाता है, आप बहुत कमे बनाते हैं नहीं? तो भाई साहब यहाँ पे जो है समझ लो ये ओपन किचन है, जहाँ पे लोग आके अपने मनपसंद तरीके से जो मन किया, गोटा टमाटर तो गोटा टमाटर, प्याज धनिया हर कुछ डालकर बनाया जाता है। और यही जो है ना गांव घर के बाज़ार का खासियत भी होता है। तो फटाफट जो है अपना मछली बन चुका है, बनने के बाद देख लो चूल्हा से उतर भी चुका है। और यहाँ पे ऐसा रस रहता है कि मेरा मछली उतरा है, दूसरा कढ़ाई चढ़ चुका है चिकन बनने के लिए, और यहाँ पे अंकल जो है एकदम हरा हरा सखवा का पत्ता पे मछली देने वाला है। मछली भून दिए, दे भी रहा है, अब थोड़ा भुंजाइए बताइए कैसे किलो? 100 रुपया चिकन का। और मछली का? मछली का तो बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, डिमांड कम है। 100 रुपया लेते हैं तो अपना तेल मसाला तेल ले लेता है, ज्यादा अच्छा, लगता है ना तेल। अच्छा अच्छा, मछली में मतलब चिकन लाएगा तो खाली चिकन लाना है। हाँ। और मछली लाएगा तो तेल भी लाना। हाँ। है यही ना? नहीं, मछली में तो बड़ा मछली लाएगा ना तो तेल ज्यादा खाता है, तेल ज्यादा खाता है। 100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया लेते हैं, लेकिन तेल ज्यादा लगता है, तेल मंगवाते हैं उसी से, है ना? मसाला उसला तो सब देते हैं, सब देते हैं। वाह, तो मतलब भाई साहब ये जो है ना यहाँ पे जेन्युइन रेट बोल सकते हो, क्योंकि मछली में तेल भरपेट्टा लगता है। तो मछली देखो यहाँ पे निकल चुका है अपने लिए, यहाँ पे भी है थोड़ा रखा हुआ, उस साइड पे दो भाई है अपना, उसको भी टेस्ट कराएंगे और हम भी बताएंगे इसका जायका। तो गई वहाँ से जो है अपना मछली भुनने के बाद आ चुके हैं लेके यहाँ पे टेबल पे, और आने का कारण क्या है कि वहाँ धुआं बहुत हो रहा था। अब जो है ना आपको मछली एक बार सामने से दिखाते हैं, ये देख लो यहाँ पे भाई साहब एकदम मस्त दिख रहा है, एकदम सूखा सूखा। इसमें हल्का सा पानी देने के कारण ना जो प्याज लहसुन और मिक्स मसाला था वो मछली में चिपक गया। ये देख लो क्या मस्त सा घुमा घुमा, और ये थोड़ा ना मोटा है। बहुत बारी क्या होता है कि एकदम छोटा सा खरीदते हैं जिसमें भाई कांटा कांटा ही समझ में आता है, मतलब मोच वगैरह, इसमें पल्प भी दिखने वाला है। ये देखो भाई तोड़ रहे ना तो पचाक से टूटा है, और इसका खुशबू मछली का मिठास जो होता है चिंगड़ी का वो एक नंबर। तो गाइस इस मछली का नज़ारा तो हमने दिया, अब आपको ना इसका स्वाद बताते हैं, और भूख भी ना तगड़ा लगा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं, उठाते हैं एक साथ 3-4 मछली, क्योंकि एक मछली तो दांत में ही फंस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये रहा भुंजा टाइप का हमने उठाया है, एकदम खर खर। मतलब चिंगड़ी का जो एक बात मेरे को हमेशा अच्छा लगता रहा वो है इसका मिठास, दांतों में दबने के बाद ताज़ा वाला चिंगड़ी का जो रस निकलता है ना मुंह में पूरा फैल जाता है, मसालों का टेस्ट भी ना दब जाता है उसके सामने। हालांकि हम जब पहला इसका स्वाद लिए तो हरा मिर्चा का तीखा, लहसुन का स्वाद, प्याज सब सही लगा, लेकिन दबते ही चिंगड़ी का अपना फ्लेवर। थोड़ा संभल कर खाना पड़ेगा, का है कि ये जो देख रहे हो ये लंबा लंबा तो तोड़ दिया गया लेकिन ये नहीं टूटा है, और ये एकदम हार्ड होता है, दिखाते हैं आपको। देखो देखो कैसा एकदम हार्ड है, ये अगर मुंह में गड़ा ना तो दिक्कत है, लेकिन अपने को क्या खाते खाते एक्सपीरियंस हो चला तो दिक्कत नहीं होने वाला। मस्त स्वाद है, ताज़ा मछली का बात ही अलग है। हालांकि मन तो बुदनू खाने का था, लेकिन ऐसा मोटा वाला चिंगड़ी देख के ना कंट्रोल नहीं हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी चिंगड़ी का है। और इनके पास साफ सफाई भी अच्छा, दो पानी से धोया गया मछली को, अच्छे से देख देख कर कंकड़ घोंगी ये सब भी रहता है वो सब हटाया गया। भूनने के टाइम पे ना तेल अच्छा इसमें चाहिए, तेल अच्छा दिया गया। हालांकि जब भी हम मछली वगैरह कुछ भी बनवाते हैं तो जो उनका रेट होता है उससे ज़्यादा ही देते हैं बनाने का, क्योंकि वो जो बना कर देते हैं ना पूरा मन लगा कर देते हैं और कोई चीज़ में कंजूसी नहीं करते। एक नंबर है भाई। मस्त, मज़ा आ रहा है। और ये आँखों में जो आंसू दिख रहा है ना, ये आंसू तीखे का नहीं है, ये है उधर के धुएं का, लकड़ी का, जो उड़ उड़ के आँख में घुसा।
मछली देख लो, फटाफट खत्म हो गया। मतलब मछली जो मेरे पास है ना, ये आधा है, इसका आधा क्वांटिटी दो भाई हमारे को मिला, उसके साथ हमने शेयर किया, उसका भी फीडबैक आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, उनका क्या रहा है वो भी आप देखिए। थोड़ा और ज़्यादा लेते हैं, लेकिन चक्कर क्या है ना, वो बाद में हमारे को मिले। लहसुन मतलब बोलते हैं कि संतोषम परम सुखम, संतोष करने से ही ना सब कुछ हासिल होता है। मन तो वैसे और कर रहा है, लेकिन संतोष करते हैं। तो फिलहाल दोना देख लो, ख़त्म कर दिया हमने, इसमें है कुछ भी नहीं। वीडियो को हम यही पे एंड करने वाले हैं, और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम आपके लिए से ज़्यादा ढूंढ ढूंढ कर गाँव घर का कोना कोना और वहाँ पर लगने वाला बाजार और वहाँ पर मिलने वाला देसी खाना दिखाते रहते हैं। तो मिलता है कल कुछ और कुछ नया सा लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। तो गाइस हमने तो बताया आपको कि मछली का स्वाद कैसा लगा है, अब जो है भाई लोग से भी पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले इसी से पूछते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब दिल से कि ऊपरे ऊपरे? दिल से। और आपको कैसा लग रहा है दादा? बहुत मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है, बहुत दिन के बाद खाए हैं ये वाला मछली।